हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का वीडियो कक्षा 10 और कक्षा 12 की बायोलॉजी से रिलेटेड है। दोनों क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने देखा है कि ये क्वेश्चंस बोर्ड पेपर के एग्ज़ाम में कई बार 3 से 5 नंबरों में पूछा गया है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, आज का हमारा टॉपिक बना हुआ है लिंग निर्धारण, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं, ये कैसे संपन्न होता है। तो चलिए, लिखना कैसे है वो ध्यान दीजिए। सन 1902 में मैक कलंग नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। और इसी के साथ साथ इन्होंने लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा, यानी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा इतना लिखने के बाद कि सन 1902 में लिंग निर्धारण के बारे में सबसे पहले मैक क्लंग नामक साइंटिस्ट ने बताया था, और इसी के साथ साथ इन्होंने लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार लैंगिक लक्षणों की वंशागति उनकी संतानों में पैतृक पीढ़ी से होती है, अर्थात संतानों में लैंगिक लक्षण जो हैं ये माता पिता से ही जाते हैं, जिनकी सहायता से हम अगली पीढ़ी में नर तथा मादा होने की पहचान करते हैं, और इसी प्रक्रिया को लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है। अर्थात शॉर्टकट में अगर हम लिखना चाहें कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है तो क्या बताएंगे वो ध्यान से सुनिए। वह प्रक्रिया, वह विधि जिसके माध्यम से हम अगली जनरेशन में मेल होगा कि फीमेल होगा ये जानते हैं, तो उसी प्रक्रिया को लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है। अच्छा, ये जांच कैसे करते हैं वो जानते हैं। चलिए, उसके लिए हमें एक स्केच बनाना पड़ेगा, और उससे पहले आप ये जानेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या चीज़ जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो पहली बात आप ये लिखेंगे कि लिंग निर्धारण के लिए सेक्स क्रोमोसोम यानी लैंगिक गुणसूत्र की परम आवश्यकता होती है। जैसा कि आपको बताया गया है कि क्रोमोसोम ये दो टाइप के होते हैं, एक आपका लैंगिक होता है और एक आपका अलैंगिक होता है। अलैंगिक गुणसूत्र जो होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं, यानी 44x यानी कि 44x। तो याद रखिएगा, लैंगिक गुणसूत्र मेल और फीमेल दोनों में समान होने के कारण से इनकी सहायता से हम सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ देह के करेक्टर को यानी कि शारीरिक लक्षणों की वंशागति करते हैं, और शारीरिक लक्षणों के माध्यम से लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि सिर्फ शारीरिक लक्षणों को देख करके आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। चलिए, तो इसके लिए हमें लैंगिक गुणसूत्र की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि लैंगिक गुणसूत्र की जहाँ तक बात करते हैं तो मेल में ये XY और फीमेल में अगर देखा जाए तो ये XX होते हैं। यहाँ पर Y जो है ये मेल क्रोमोसोम कहलाता है, और X जो है ये फीमेल क्रोमोसोम कहलाता है। याद रखिएगा, Y मेल क्रोमोसोम है और X क्या है, फीमेल क्रोमोसोम है, और इन्हीं दोनों गुणसूत्रों की सहायता से, दोनों धागों की सहायता से हम लिंग का निर्धारण करते हैं। एक बात और बता दें हम, Y क्रोमोसोम को हम होलैंड्रिक गुणसूत्र भी कहते हैं,
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये विकल्प वाले प्रश्न में पूछा गया है कि वाई गुणसूत्र को हम होलैंड्रिक गुणसूत्र कहते हैं और इन पर जो जीन पाए जाते हैं उन्हें होलैंड्रिक जीन कहा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में ही होते हैं, मेल में ही पाए जाते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि लिंग निर्धारण होगा कैसे। मनुष्य में सबसे पहले देखेंगे सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मनुष्य में, तो मनुष्यों में सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताया था 1902 में मैकलंग ने, इतना लिखेंगे आप। और इसके लिए लैंगिक गुणसूत्र की सहायता ली जाती है। निम्नलिखित प्रकार से लैंगिक गुणसूत्र की सहायता से मनुष्यों में सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, कैसे? चलिए ये आपका लिखेंगे इधर पिता, इधर लिखेंगे हम माता। पिता में लैंगिक गुणसूत्र एक्स वाई, माता में होते हैं एक्स एक्स। चलिए यहां देखते हैं, ये हो गया एक्स एक्स, इसे कहेंगे पुत्री। फिर यहां पर एक्स एक्स और ये भी है पुत्री, यहां पर एक्स वाई ये पुत्र और यहां पर एक्स वाई ये भी हो गया पुत्र। तो जहां तक देखा जा रहा है यहां पर एक्स एक्स है, यहां पर एक्स एक्स, यहां पर एक्स वाई है, एक्स वाई है। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट धागा कौन है? वाई। याद रखिएगा वाई से ही क्लियर होगा कि मेल है कि फीमेल। जिस सेट में वाई जाएगा वही कहलाएगा मेल। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लैंगिक गुणसूत्र की सहायता से सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है मनुष्यों में। हम कुछ और जीव में देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। चलिए ये तो मनुष्यों में था, अब हम देखते हैं अन्य जीवों में कुछ, जैसे कि हम बटरफ्लाई की बात करते हैं। बटरफ्लाई हो गया, फिश हो गया, मछलियां, या इसके अलावा रेप्टाइल हो गया, या इसके अलावा एम्फीबियन हो गए यानी उभयचर हो गए। तो बटरफ्लाई, फिशेज, रेप्टिलिया, एम्फीबियंस एक्सेट्रा आदि कर देते हैं। ऐसे तमाम जीवों में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है उसके लिए आइए देखते हैं। तो यहां पर हम लेते हैं मुर्गा और ये हो गया मुर्गी। तो यहां पर एक कोड निश्चित किया जाता है, मुर्गे के लिए जेड जेड, मुर्गी के लिए जेड डब्ल्यू यूज किया जाता है। यहां पर अगर देखा जाए हेट्रोजाइगस जो होगा वो मुर्गी में होगा और होमोजाइगस जो होगा वो मुर्गे में होता है, यानी मेल में दोनों धागे सेम टू सेम होते हैं जिन्हें हम होमोजाइगस कहते हैं। होमोजाइगस कहा जाता है समान यानी कि समान को, और हेट्रोजाइगस कहा जाता है विषम को। याद रखिएगा तो जो विषम गुणसूत्र हैं वो फीमेल में होते हैं यानी कि ये हेट्रोजाइगस है, और जो सेम होते हैं यानी कि होमोजाइगस वो मुर्गे में होते हैं, मेल में होते हैं। तो ये मेल है, ये फीमेल है। अब देखते हैं कैसे इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। ये हो गया जेड जेड यानी कि ये क्या हो गया? फीमेल। चलिए सॉरी मेल, ये क्या हो गया? मेल। जेड जेड मतलब मेल होगा। नेक्स्ट जेड डब्ल्यू यानी कि ये क्या हो गया? फीमेल। नेक्स्ट जेड जेड यानी कि ये क्या हो गया? मेल। और यहां पर जेड डब्ल्यू ये क्या हो गया? फीमेल। तो यहां पर हम देखेंगे कि तमाम प्रकार के ऐसे जीव जो कि बटरफ्लाइज हो गए या फिशेज हो गए या फिर बर्ड्स हो गए, मतलब बर्ड पक्षियां हो गई, ऐसे तमाम जीवों में रेप्टाइल, सरीसृप, एम्फीबियम, उभयचर आदि जीवों में हम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यही कोड प्रयोग करते हैं। इतना आप लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि आदि जीवों के लिए आप यही कोड मतलब क्या कि मेल में क्या लेंगे आप? सेम टू सेम जेड जेड,
और फीमेल में क्या लेंगे आप, जेड डब्ल्यू। इसी कोड का प्रयोग करेंगे हम इन तमाम जीवों के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। आइए देखते हैं कुछ और जीवों में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो चलिए अब देखते हैं हम इंसेक्ट में, इंसेक्ट में जैसे कि आप मधुमक्खी ले लीजिए, मधु मक्खी हो गया, या इसके अलावा आप टिड्डा लेंगे अगर आप, आदि जीवों में अगर आप देखा जाए तो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे उसके लिए हम यहां पर देखते हैं। तो ये हो गया मेल। मेल में यहां पर एक ही धागा होता है, याद रखिएगा। और फीमेल में अगर देखा जाए तो दोनों धागे होते हैं, एक्स वाई। ये कोड आप याद रखिएगा, इंसेक्ट के लिए है, खास तौर पे कीड़ों के लिए हम इसी कोड का प्रयोग करते हैं। मेल में लैंगिक गुणसूत्र के तौर पर सिर्फ एक धागा होता है, दूसरा जो होता है वो डीएक्टिवेट होता है। क्या होता है? डीएक्टिवेटेड, यानी कि निष्क्रिय होता है। इसलिए यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ जीरो लेते हैं। फिलहाल इसी जीरो से हम सेक्स डिटर्मिनेशन को देख पाएंगे। तो याद रखिएगा, इंसेक्ट, मधुमक्खी, टिड्डा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है मधुमक्खी में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहां पर ऐसे जीवों में मेल क्रोमोसोम सिर्फ एक ही होता है, दूसरा धागा क्या होता है, डीएक्टिवेट होता है, निष्क्रिय रहता है। फीमेल में दोनों एक्टिवेटेड होते हैं, सेम होते हैं, याद रखिएगा, होमोजाइगस, ये हेटरोजाइगस। चलिए देखते हैं कैसे होगा सेक्स डिटर्मिनेशन। यहां पर एक्स एक्स, यानी कि यहां पर क्या हो गया, फीमेल हो गया। अब देखते हैं दूसरा एक्स एक्स, यानी कि ये भी क्या हो गया, फीमेल हो गया। यहां पर इसको देखेंगे तो एक ही आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप दोनों लिखें। जीरो मीन्स जीरो फिलहाल हम इसको इंडिकेट कर दे रहे हैं, लेकिन आप एक भी लिखकर काम चला सकते हैं। तो जीरो अगर है तो भी सही है, नहीं है जीरो, सिर्फ एक ही धागा है तब भी सही है, तो ये मेल कहलाएगा। फिर नेक्स्ट एक्स जीरो, ये क्या हो गया, मेल। तो इस प्रकार से हम देखा जाए ऐसे जीवों में, इंसेक्ट में सेक्स का डिटर्मिनेशन कर पाते हैं। तो इतना लिखेंगे अगर आप तो आपको 3 से 5 नंबर मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे और अपने दोस्तों तक, अपने जरूरतमंदों तक इस वीडियो के लिंक को और हमारे चैनल के लिंक को जरूर शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, अथवा अगर किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमारे पास तक अपने कमेंट्स को पहुंचा सकते हैं। अगर कमेंट्स मान लीजिए नहीं हम रीड कर पा रहे हैं तो आप इस नंबर पर अपना व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपने प्रश्न को हमारे पास तक पहुंचा सकते हैं। तो याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार।